का काम किया है कि सरपंच गांव के समग्र विकास पर काम करें, और वो लोग हम कर रहे हैं। मेरी वजह से या तो आत्महत्या कर चुके हैं या फिर जेल जा चुके हैं। तो हमारे बीच में पद्मश्री मौजूद हैं जो कि राजस्थान से हैं। सर, शुभ नाम सर आपका। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। अच्छा, श्याम सुंदर पालीवाल जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा एजुकेशनल और नेचर से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, और जो भी नेचर को लेकर के अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं उनको आपके बीच में हमेशा लाता हूँ और रूबरू करवाता हूँ। उसी तरीके से हमारे बीच में आज मेहमान आए हैं राजस्थान से। फिलहाल भी मैं मौजूद हूँ झीलों की नगरी भोपाल में, और हमारे साथ डॉक्टर साहब, इनका नाम नहीं लेंगे तो फिर बिगाड़ हो जाएगा कि हमारे बिहार के हैं, नाम लेना ज़रूरी है, बाजू में हैं। और हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ अलग इन्होंने किया जिसके दम पे आज हिंदुस्तानी ने दुनिया के कोने कोने में इनकी चर्चाएं होती है। तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना भाई, तभी तो इनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। हमसे बेहतर किया होगा, हमसे कुछ अच्छा किया होगा, ये दिशा निर्देश करेंगे कि आप भी कुछ अच्छा करें जिससे जो है पर्यावरण बेहतर हो, समाज बेहतर हो, और जो है कुछ अच्छा भी होता रहे। हाँ सर, देखिए आपसे बेहतर नहीं किया है, आप सब लोगों से सीख कर किया है ना, और सिखाने वाली ये पूरी टीम है। यहाँ जो लोग आज एकत्र हुए हैं, एकत्र आए हैं, ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र में समग्र ग्राम विकास इस सृष्टि को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा इन आप सब के बीच में एक छोटा सा सिपाही मैं भी हूँ जो मेरे कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मैंने समग्र ग्राम विकास को लेकर काम किया है, चाहे वो पानी के का विषय हो, प्राकृतिक खेती का हो, बेटी बचाने का हो, शिक्षा का हो, जल संरक्षण का हो। एक सरपंच क्या कर सकता है, ये पूरे देश में विकलांगरी अपने अच्छा, आप वहाँ सरपंच रह चुके हैं। जी जी। अच्छा, हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे सरपंच होते हैं, चले जाते हैं, मुखिया होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये कैसे सरपंच है कि वहाँ तक पहुँचे, ये सोचने वाली बात। हमने एक चीज को माना है, हमने एक विषय लिया है कि मेरा गाँव मेरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ मेरे पिताजी का जन्म हुआ, जहाँ मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ, इस पूरी धरती के ऊपर उससे बड़ा तीर्थ स्थान कोई हो ही नहीं सकता है। और उस तीर्थ स्थान को विकसित करने के लिए सरकार पैसा देती है, और उसमें अगर सरपंच ठेकेदार बनकर उसमें भ्रष्टाचार करता है तो ये सबसे बड़ा पाप है। हमने उसको रोकने का काम किया, सरपंचों को दिशा देने का काम किया है कि सरपंच गांव के समग्र विकास पर काम करें, और वो लोग हम कर रहे हैं। मैं देश का पहला सरपंच हूँ, हम दो सरपंचों को पद्मश्री मिला है। अच्छा अच्छा। पोपटराव पवार जी महाराष्ट्र से हैं, और मैं सुबह मुझे मिला और शाम को उनको मिला। क्या बात है भाई। बाकी सरपंचों के बारे में आप समझ सकते हैं कि सरपंचों के लोगों की क्या धारणा होती है, और इस शपथ के साथ काम करते हैं कि मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा और नहीं करने दूंगा। अभी तक 15 अधिकारी मेरी वजह से या तो आत्महत्या कर चुके हैं या फिर जेल जा चुके हैं। तो मैं यही कहूंगा आत्महत्या नहीं करें, जेल जाना पसंद कीजिए आप लोग, गलत काम ना करें कि ऐसी नौबत नहीं आए। और सरपंच रहते हुए ये यहाँ तक पहुँचे हैं, ये एक मैसेज है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, एक सीख है। और इनके बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा जी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने आज से 15 साल पहले ये ऑर्डर किया कि राजस्थान का हर सरपंच पिपलांतरी जा कर के उस मॉडल को देखेगा और उसको फॉलो करेगा। और पिपलांतरी में मैं 2015 में वहाँ मुझे सौभाग्य मिला इनसे मिलने का और पिपलांतरी देखने का, उससे निरंतर मेरा संपर्क पिपलांतरी से और श्याम जी से बढ़ा। पूरे देश के सरपंचों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेशों तक के लोग जो है इस बात को कि एक गांव इतना बड़ा क्या कर सकता है। 2015 में हमने देखा कि सड़क के दोनों ओर एलोवेरा के पौधे लगे हुए थे लाखों की संख्या में। ये काम कोई छोटा मोटा बात नहीं है। तो इन्होंने तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित, चाहता है मात्र में कुछ और भी, तुम्हें कुछ और नाम करते हैं हम श्याम जी। आप सब लोग आइए हमारे गांव में श्याम जी पालीवाल को, और सबसे निवेदन वास्तव में कि एक बार आप पिपलांतरी जाएंगे तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे ज्यादा करने की प्रेरणा लेकर के आएंगे। हम तो जाने की तैयारी में हैं सर, बुलाएं। चलिए, मैं पिछले 16 साल से, चलिए ना हम लोग चलते भी रहे। मैं पिछले 16 साल से जल संरक्षण पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये जल चालीसा मैंने लिखा है। अच्छा, जल चालीसा, इसके 75,000 कापियां मैं अब तक बांट चुका हूँ। अच्छा, और इसका अंग्रेजी 75,000 बांट चुके हैं, 75,000 एक हमको भी देके पुरा दीजिए ना आप। क्या बात, ये जल चालीसा अंग्रेजी, फ्रेंच और नेपाली भाषा सहित 36 भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है, उसके मैंने पुस्तक छुपा दी वो लाइब्रेरी में दे रहे हैं ताकि साहब विभिन्न प्रांतों के लोग हैं और बच्चे पढ़ें। एक दो पंक्ति इसका बताइए। सोचें जल
बर्बादी का हल, ताकि न आए संकट का कल। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। क्या बात है। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, जन जन हमें जगाना होगा, जल सब तरह बचाना होगा। कुएं नदियां बावड़ी, जबलों जल भरपूर, तबलों जीवन सुख भरा, बरसे चौदह सनूर। जल बचाओ अभियान की मन में लिए उमंग, आओ सब मिलकर चले रमेश गोयल के संग। रमेश गोयल के संग, क्या बात है। रमेश गोयल के संग। मैं सिरसा हरियाणा से आया हूँ और निरंतर 16 वर्ष से, एक वकील होने के बाद भी निरंतर 16 वर्ष से इस अभियान में लगा हूँ। मूल रूप से जल संरक्षण और पूरा पर्यावरण पर काम कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। जल चालीसा बहुत ही यूनिक आइडिया, आपके अपने यूनिक आइडिया पे काम किया है भाई। शुभकामनाएं हैं आपके माध्यम से, कुछ अच्छा काम हो रहा है। फिर मिलते हैं अगले मेहमान के साथ, तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।